बढ़िया 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 गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, क्यूट हूँ। सो आज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग घर से की है और सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट करनी और एंड उसके बाद आज मुझे जाना है रामबन। सो आज मैं आपको रामबन लेके चलूँगी, ठीक है? सो होते हैं सबसे पहले तैयार। आज मैं पहनने वाली हूँ ये टी शर्ट जो कि मैंने कल ही ली है और कलर मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मैंने टाइम पास करने के लिए ली है क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कपड़े हैं ही नहीं मेरे पास। और ये मेरी घिसी पिटी पैंट जो कि मेरा बहुत ज़्यादा साथ दे रही है, फिलहाल मैं इसी को पहन रही हूँ। सो फ्रेश होकर मैं बताती हूँ आपको मेरे पे कैसा लगता है ये ड्रेस, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ड्रेस, ये कलर मुझे सूट किया कि नहीं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये ऐसा कलर डाल रही हूँ। कुछ इस तरीके की लग रही है, कुछ खास नहीं है, बट चलो टाइम पास के लिए। सो अब बना लेते हैं चाय और उसके बाद जो है मुझे सेंटर समझना भी समझो न तो। समझना भी समझो न तो, बस चना या किसे होर तो, दिल आराम मेरा दिल आराम मेरा दिल आराम, संग दाए चलना नेड़े आन तो। सो ये बन रही है मेरी चाय। संग दाए नेड़ा चले आन तो। चाय मैंने कुछ मेरे को लगता है ज़्यादा ही बना ली है यार। मेरा ब्रेकफास्ट ये आ गई कड़ी, प्याज की कड़ी है, और ये आ गई चपाती और ये आ गई चाय। सो चलो करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद करते हैं नेक्स्ट काम। Find the real me. So let's go. ये है मेरी फाइनल लुक। कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, ये कलर कैसा लग रहा है मेरे में। ले लेते हैं इसको, नहीं हम भूल सकते, और चलते हैं। सो गाइज मैं निकल चुकी हूँ घर से और पहले तो जाना है मुझे इंस्टीट्यूट और उसके बाद मुझे जाना है रामबन, और मुझे सोच सोच के कालियाँ पड़ रही हूँ क्योंकि रामबन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो पहले चलते हैं इंस्टीट्यूट, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। जाना तो है आज, नहीं तो कल कब से डिले कर रही थी, बट आज मुझे जाना ही जाना है, चाहे जितनी मर्ज़ी करनी हो। चलो पहुँचते हैं पहले इंस्टीट्यूट और उसके बाद देखते हैं गाड़ी गुड़ी का मसला। हेलो तो कर दो, नहीं अच्छा सर हेलो कर दो, नहीं करना है क्यों? कैसे शर्मा रही है, जय शर्मा रही। तो ये है हमारा गर्ल्स स्कूल, ये इसका गेट है, अंदर तो मैं जाऊँगी नहीं, बस मुझे इधर ही काम है। जल्दी 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 आओ। सो अब मैं चल पड़ी हूँ रामबन और आप सोच रहे होंगे ये क्या ड्रेस कैसे चेंज होगी, तो वो वाली शर्ट में गंदी होगी तो मुझे ये घर से मंगवाई। चलते हैं आप। ड्यू है 21 देना। अच्छा आंटी जी थोड़ा साइड, सो गड्डी तो रामबन की लगी, अब देखती हूँ अंदर जाके सीट मिलती है या नहीं। ओहो खाली है गड्डी, मिल गई सीट, शुक्र है, बैठ जाते हैं। गड्डी पूरी फुल हो गई लेकिन बंदा चल ही नहीं रहा है अभी। Oh, oh, oh.
और अब मुझे इंस्टीट्यूट के रिलेटेड ही कुछ काम है, ऑफिस में जाके और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको, काम को ख़त्म करके। और ये आ गई रामबन की मार्केट। गाइस काम मेरा हो गया ख़त्म और अब जाके पकड़नी है गाड़ी, क्योंकि इंस्टीट्यूट मुझे जल्दी पहुँचना है, रमेश ने कहीं जाना है, देखते हैं अब गाड़ी। और गर्मी जितना मैंने सोचा था उतनी है नहीं वैसे, तो चलो चलती हूँ गाड़ी में। गड्डी तुपते तुपते मुझे रास्ते में ये देख गया कपूर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देखते हैं अंदर जाके क्या। सो कपूर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मेरे को एक न्यू शायद रामबन में ओपन हुआ है, सो देखते हैं क्या क्या है इसमें। मैंने तो सुना था बहुत बड़ा है, यहाँ से रास्ता नहीं है उस साइड के लिए। अच्छा ओके ओके थैंक यू। हाँ अजय भाई, मुझे देखते हैं स्कार्फ, स्कार्फ लेना है मैंने, अगर मेरे को ठीक प्राइस में मिल गया। भैया यहाँ पे कौन है आपको स्कार्फ बताना है पे? किस प्राइस में ये 80? एट्टी के प्राइस में ये स्कार्फ है, कोई भी ले सकते हैं हम। मेरे को तो ठीक ही लगा, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही है लूँ कौन सा मैं। गाइस ठीक है, अच्छा है, रेट रूट भी ठीक है, जो आप अगर आना चाहो तो आ सकते हो, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। और प्राइस मेरे को सबसे पहले बात करो तो प्राइस बेस्ट है, प्राइस मेरे को ठीक लगा, मार्केट से बेस्ट ही मेरे को लगता है। तो चलो देखते हैं, पहले तो गड्डी देखते हैं कि नहीं। मैं कार बताती हूँ आपको, ये देखो रेड कलर ये लेनी है गाइस, तो इस ये है नियर बस स्टैंड के शायद मेरे को नियर कोर्ट, हाँ रामबन कोर्ट के पास है कपूर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अगर आपने आना है तो आप आ सकते हो, सब कुछ है, सब कुछ मिल जाएगा आपको और बेस्ट प्राइसेस में मेरे को जहाँ तक लगा। मुझे तो कुछ पसंद नहीं आया, मुझे स्कार्फ लेना था, बट लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं किसी का कत्ल करके आई हूँ। देखते हैं गड्डी फिर मुझे गर्मी नहीं लगती थी, लेकिन अब भी इस मार्केट में आई हूँ ना तो मुझे काफ़ी गर्मी फील हो रही है, मैं पेट्रोल से तो काफ़ी ज़्यादा है। कोल्ड ड्रिंक ले लेती थी अंकल जी।
वाली ड्यू है, 20 वाली होनी चाहिए। गड्डी तो मुझे मिल गई, लेकिन देखो गर्मी कितनी है, पसीना। Well, I am really sorry, क्योंकि बहुत ही टाइम के बाद मैं रिहर्सल कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि जैसे इंस्टीट्यूट पहुँची बिजी होगी, दो तीन क्लासेस ली, फिर उसके बाद और भी थोड़ा सा काम था। अब मैं चल पड़ी हूँ घर, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने मेरे पिछले वाले व्लॉग को प्यार दिया, सपोर्ट दिखाया है, वैसे ही इस वाले व्लॉग को भी दिखाना, कम से कम 1K तो व्यूज़ कर दो येरा। आपके हाथ ही है सब कुछ। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय।